कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। ये भूमि है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की। यह भूमि है जहां अवतार मेहर बाबा के चरण पड़े। ये भूमि है आचार्य रजनीश महर्षि महेश योगी की कृपा बरसी। ये भूमि है जहां आज भी वाणी गुंजित है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कवि डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल, कथाकार ज्ञान रंजन, साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार सुमित्र, महाकवि आचार्य भगवत दुबे। आइए ऐसे ही शहर से हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक संवाद टीवी, जो साहित्य का नया चैनल है। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। एंड इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज अभी लॉट ऑफ टाइम मैन पावर और मनी विल बी सेव। नहीं तो सेम ये जो गन है सारे बन रहे हैं जबलपुर में, GCF और आपका व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बन रहे हैं। यहाँ से पहले इटारसी जाते थे, वहाँ पर टेस्ट होके फिर आते थे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेट होके फिर दोबारा जाते थे उधर। मतलब लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड मैन पावर यूज टू बी वेस्टेड। सो नाउ सिंस नाउ जबलपुर विल बी बिकम द हब ऑफ योर जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ ऑल दी गन्स। सारंग गन इज ए अफगानी, इट वॉज जो हमारे पास पहले रशियन गन था 130 कैलिबर का गन था, उसी को हमने अफगनिंग करके 155 कैलिबर गन बना दिया है। सो दिस इज ए जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का 155 कैलिबर गन है, ये वो स्टैंडर्ड में हमने कर दिया। अभी 300 गन अफगनिंग हो रहा है यहीं पर GCF और VHF, इससे हमारा रेंज बढ़ जाएगा। जो 130 में आपको 27 किलोमीटर करीब रेंज मिल रहा था, अभी आपको 36-39 किलोमीटर रेंज मिल जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि आने वाली ये 26 जनवरी है, इसके दिल्ली में भी इसको वहाँ पर ये इस बार ऑलरेडी था धनुष और सारंग ऑलरेडी, सारंग वाज हाँ धनुष था, अभी नेक्स्ट उसमें ये डिफेंस एक्सपो में दोनों गन धनुष और सारंग यहाँ पर जो दोनों बन रहे गन, ये दोनों डिफेंस एक्सपो में है। नेक्स्ट 26 जनवरी या 15 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली द सारंग आ। तो लगभग कितने और गन जो है अपग्रेड करने? 300 टोटल होना है, टोटल 300 होना है। सो दीज आर दी फर्स्ट लॉट जो निकल। मैं आराध्या तिवारी PM अपने दैनिक संपत्ति टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जय रखेंगे संवाद।